हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉक चित्रांत में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको 1,25,000 से स्टार्टिंग दिखाने वाला हूं और दो पार्ट्स में, हो सके तो सेकंड पार्ट में दिखेगा वाला प्राइस, या फिर 1.5 लाख में भी है, यहां 3 लाख में, जिस प्राइस में बोलो। और यहां 50,000 दो और ट्रैक्टर ले जा सकते हो। 50,000 फाइनेंस है, अगर आप 30% देना पड़ेगा आपको। और साथ ही टाइमिंग में कॉल कीजिएगा, क्योंकि यह 9 से 9 बजे के रात तक, सुबह 9 से 9 बजे के रात तक कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ना कॉल अटेंड करना मुश्किल हो जाता है यहाँ के शॉप वाले भैया लोग को। और ये हम आए हैं यहाँ बाबर ट्रैक्टर से करके है, ये सरोना में है, सामने वॉल्वो शोरूम के जस्ट सामने में ही है बाबर ट्रैक्टर करके शॉप का नाम है। और भरपूर कलेक्शंस है यहाँ, 5310 या फिर जो 3230 देखते हैं न्यू हॉलैंड का, सभी ट्रैक्टर अवेलेबल है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर चित्रा 12345। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और साथ ही फेसबुक में भी आप जाइए, ब्लॉग चित्रा सर्च कीजिए, वहाँ भी वीडियो देख सकते हैं, हो सके वहाँ पहले वीडियो देखने मिले। तो चलो पूरा स्टार्ट करते हैं। वेलकम माई यूट्यूब चैनल सर, आपका नाम क्या है? संदीप ठाकुर। संदीप ठाकुर। ठाकुर, ये अभी आप यहाँ शॉप में ओनर है? हाँ जी। पार्टनरशिप के ओनर ही मान लीजिए। अच्छा, अभी आपके पास कौन कौन सा है कलेक्शन? जॉन डियर है, सोनालिका है, महिंद्रा है, सोनालिका सार है, अच्छा पावर ट्रैक है। और स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस 1.5 लाख से स्टार्ट है। 1.5 लाख से स्टार्ट है, और उसमें भी नेगोशिएबल है कि फिक्स रहेगा? नहीं, उसमें नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल हो जाएगा। अच्छा, तकरीबन यहाँ कितने ट्रैक्टर्स अवेलेबल है अभी? यहाँ करीब करीब 35 ट्रैक्टर का स्टॉक रहता ही है। हाँ जी। अच्छा, और वीडियो के माध्यम से कोई और अभी तक आया लेने में? आते हैं, आते रहते हैं ना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जॉन डियर से 5042, इसका डिमांड तो रहता ही है, साथ ही 5310 का बहुत ज्यादा रहता है। ये कौन सी मॉडल है? 2018 मॉडल, 5042। अच्छा, 5042। ये कितने एचपी में आता होगा? ये 42 HP में। 42 HP में। इसका पीटीओ कम रहता होगा? थोड़ा पीटीओ नहीं, बढ़िया रहता है। अच्छा, पीटीओ पावर। इसका टायर का साइज तो 16 होगा। हाँ, है ना। समथिंग कितना घंटे चला है? 3,500 से 3,000 का। 2,500 से 3,000 घंटे चल गया है। ओनर कौन सा होगा ये? ओनर फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है। क्या प्राइस रखे इसका? रखे हम लोग 4 लाख रुपए। 4 लाख प्राइस है। अच्छा, और एक बार एड्रेस भी बता दीजिए लैंडमार्क, जिसको लेने के लिए आना होगा तो। यहाँ सरोना चौक। हाँ, वॉल्वो शोरूम के सामने। वॉल्वो शोरूम के सामने। इसके कंडीशन भी देख लेते हैं, कंडीशन देख सकते हैं। टायर्स का भी चलेगा ही लगभग, और पीछे के टायर्स भी चलेंगे। सेम जॉन डियर का सीट कवर लगा है, हुड वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, टचअप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। ओरिजिनल कलर के साथ है, आप देख सकते हैं आगे आके। इसके सामने का कलर देख सकते हैं, बम्पर लगा ही हुआ है, नहीं कहीं टचअप किया गया है। ये कितना, 3 सिलेंडर में आता है कि 4? तीन सिलेंडर में ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन सोनालिका। ये कौन सी मॉडल है सोनालिका? 2017 DI-35। इसका भी डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। सोनालिका का अगर कोई ट्रैक्टर जो ज्यादा सेलिंग होता है तो ये भी है, और एक 740 का ज्यादा सेलिंग होता है, है ना। ये कौन सी मॉडल बताए? 17 HP। कितना होगा ये? 35 में ही आता है। इसमें कोई काम खर्चा वगैरह? कोई काम नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई काम नहीं है। ये पासिंग कहाँ था का? ये हाँ, पासिंग लोकल 07 है ना। ये कहाँ का पासिंग है? ये महाराजगंज पासिंग। अच्छा, ये कितना चला होगा ये? ये मुश्किल से 4-4.5 के आसपास चला है। 450 4,000 के आसपास, 4,500 के आसपास चला होगा। इसका टायर का साइज क्या होगा? सेम 12-12 से 28 रहता है इसका। और सामने? सामने 9 रहता है इसका। 9। अच्छा, और इसका प्राइस क्या रखे आप? इसका रखे हैं 270। 2,70,000। इसमें भी कम ज्यादा होगा? यूट्यूब से आएंगे हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। इसका भी कंडीशन देख सकते हैं, इंटरनेशनल सोनालिका का, नहीं टचअप वचअप कहीं नहीं हुआ है ना? कुछ नहीं हुआ। ये कितने सिलेंडर में आता है? 3 सिलेंडर। ये भी 3 सिलेंडर के साथ आता है। इसे कंडीशंस देख लिए, इसके बाद अपन महिंद्रा का B275 DI देखेंगे। भैया ये B275 DI कौन सी मॉडल? ये 2014 मॉडल। कितने HP में आता होगा ये? 39 HP में आता है। 35 बोलते हैं, 39 आता है। 35 बोलते हैं, 39 आता है। बहुत लोगों का कमेंट भी मैं देखता हूँ कि 35 बोलते रहते हैं, और ज्यादा सिलेंडर में होगा ये? 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर। इसका टायर्स का साइज वही 12-28। 12-28 सामने और 9 वही आता है सेम साइज। अच्छा, मैं उतना ही रहता है साइज का।
भूमि पुत्र माता, इसका टचअप वगैरह कहीं से नहीं हुआ है, ओरिजिनल आप देख सकते हैं, ओरिजिनल है, हाई टेक स्मार्ट करके हाइड्रोलिक दिया है और इसका हुड लगा दिया जाएगा। हाँ, हुड लगा दिया जाएगा। कितना चला होगा ये? ये भी चला होगा वही 3000 के आसपास। 3000 घंटे चल गया होगा। पासिंग कहाँ का होगा ये? रायपुर पासिंग। रायपुर पासिंग। इसके टायर्स ऐसे रहेंगे कि चेंज करा देंगे? नहीं, सेम, कस्टमर डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस क्या सोचे आप? ये अपन रखे 2,60,000। 2,60,000। मॉडल क्या बताए थे? 2014 14 का मॉडल। कंडीशन देख सकते हैं आके, कंडीशन देखिए। पावर स्टीयरिंग गाड़ी है ये। अच्छा, पावर स्टीयरिंग में है। और बाकी जो देखे वो भी तो था क्या? नहीं, ये नॉर्मल है, वो पावर स्टीयरिंग, वो पावर में होगा जॉन्डियर, ये पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, इसके बाद एक और जॉन्डियर है, वो देखेंगे। ये भी है जॉन्डियर का, 42 HP। 42 HP मतलब पासिंग है। रायपुर। रायपुर। अच्छा, कितना चला होगा ये? ये भी 2,500 के आसपास चला है। 2,500 के आसपास चल गया होगा। इसके टायर्स लगभग अच्छे कंडीशन है, लगभग 50% मिलेगा। सामने भी अभी चलेंगे ही। और एक कलर वगैरह कहीं टचअप नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरा ओरिजिनल है। 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर। इसका क्या प्राइस है? इसका रखे हैं 280। 280। पावर स्टीयरिंग? पावर स्टीयरिंग। 2,80,000। हाँ, नेगोशिएबल है इसमें भी? हाँ जी, हो जाएगा ना। और पे फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस की सुविधा है, कर देते हैं। स्टार्टिंग कितना होगा देना होगा जैसे लेना? स्टार्टिंग में 30% 30% देना होगा। 30% देना होगा। 30% देंगे और ले जा सकते हैं, मतलब 50,000 मैक्सिमम। हाँ, इसका कंडीशन देख सकते हैं। इसके बाद स्वराज का दिखाने वाला हूँ, जो काफी ऊपर 855 FE में है। 4 स्टार दिया गया है इसको। और काफी इसका टायर्स वगैरह देखे तो बहुत हाई है। ये देखते हैं स्वराज का है, ये 855 FE। ये कौन सी मॉडल है? ये 2015 मॉडल। कितने एचपी में आता होगा ये? 55 HP में। 55 HP में ही आता है। ओनर कौन सा होगा इसका? ये फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर। पासिंग कहाँ का होगा? पासिंग ये ध्रुव दुर्ग 07। 07। अच्छा, 06। इसका साइज क्या होगा टायर का? ये 14-28 का पीछे है। हाँ, 13 का सामने है। 13 का सामने है। इसमें कहीं स्ट्रचअप वगैरह हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। ओरिजिनल। कितने सिलेंडर में आते हैं ये? 3 सिलेंडर में। 3 सिलेंडर। इसका थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है, हल्का फुल्का स्क्रैच है, ओरिजिनल बोलेंगे कस्टमर तो उसको करा भी देंगे। कस्टमर अगर बोलेंगे डिमांड उस पर डिपेंड। अच्छा, देख सकते हैं। सीट वगैरह पूरा लगा दिया जाएगा? पूरा लगा दिया जाएगा। हुड वगैरह कंप्लीट है, सेम लगा हुआ है। टायर तो देखना ही नहीं पड़ेगा, ये सामने का तो नया सोल्ड है, नया पूरा। इसका क्या प्राइस सोचे? इसका अपन सोच ले हैं 3,20,000। यूट्यूब से आएंगे तो कितना? जो ऊपर नीचे होना है जो होगा ऊपर नीचे देख लिया। इसके बाद कौन सा दिखाएंगे भैया? भैया ये सोनालिका DI-35। कौन सा मॉडल है ये? 2015 मॉडल है। और कितने HP में आता होगा? 35 में ही। ओनर कौन सा? फर्स्ट ओनर। इसका क्या रखे प्राइस आप? इसका रखे अपन 2,60,000। 2,60,000। कितना चल गया होगा ये? चला है 2,200 घंटा के आसपास चला है। अच्छा, 2,200 घंटा। ये कितने सिलेंडर में आता होगा? 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर। इसके कंडीशंस देख सकते हैं। कंडीशन देखिए, हुड वगैरह पूरा लगा हुआ है और ओरिजिनल सीट कवर के साथ है। टायर्स इसका साइज क्या होगा? 13-28। 13-28। पीछे सामने 9-16। हाँ, 6-16 रहता है ना। इसके बाद महिंद्रा का देखेंगे। दो महिंद्रा खड़ी है भैया। ये सामने महिंद्रा B275 DI इको, कौन सी मॉडल? ये 17। 2017 मॉडल। कितने एचपी में होगा? 35 बोलते हैं। अच्छा, बताया है। जो हाँ। और कितना चला होगा ये? ये समथिंग चला है 1700 घंटा। 1700 घंटा। इसका पासिंग कहाँ का होगा? नंबर का लिखा है रायपुर पासिंग। क्या रखे प्राइस उसका? 3,90,000 रुपए। 3,90,000 में। इसमें भी नेगोशिएबल है? हाँ, हो जाएगा। इसका टायर तो सेम होगा 13-28-600। सेम है ना। 13। इसका कंडीशंस देख लीजिए, टायर्स वगैरह अभी चलेंगे ही, आगे पीछे कहीं से टचअप वगैरह नहीं हुआ है। 3 सिलेंडर में आता है ये। पावर स्टीयरिंग की सादा भी है? सादा स्टीयरिंग है। इसके बाद है ये है यूओ का, कौन सा है? 575 DI। ये कौन सी मॉडल है? 2018 मॉडल। कितने एचपी में आता होगा? 45 HP। ये कितना चल गया होगा? ये चला होगा 1200 घंटा रास्ता चला ना। 1200 घंटा चला होगा। पासिंग कहाँ का ये? ये मेरा पिथौरा।
मासूम मसीह सिक्स। अच्छा जीरो इसका क्या प्राइस रखे? इसका अपन रखे 380,000 रुपए। 380,000 कितने एचपी में आता है ये? 45 में आता है। इसका कंडीशन देख सकते हैं कंडीशन, और यहाँ सेकंड हैंड टायर वगैरह भी मिलते हैं क्या? सेकंड हैंड टायर यहाँ लोकल के रखे हैं। अभी मिनी ट्रैक्टर है भी और पीछे खड़ी है, वही है पीछे और खड़ी। अच्छा, है मिनी ट्रैक्टर्स का बोर्ड और नांगर के एसवील वगैरह सेकंड हैंड? नांगर पड़ी है सामने, नांगर मिल जाएगा। प्लाउ भी सामने पीछे रखी है। अच्छा, और अभी जितनी ट्रैक्टर्स दिखाए उसमें सभी में नेगोशिएबल होगा? हाँ सब में हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, अभी और कौन कौन सा ट्रैक्टर है? अभी पीछे में 605 है अर्जुन, हाँ तीन गाड़ी, हाँ 5500 है, हाँ और पावर ट्रैक है 16 मॉडल 50 HP। हाँ तो चलो पीछे का भी कंडीशंस देख लेते हैं साथ के साथ। तो दोस्तों यहाँ का मैंने अब 10 ट्रैक्टर्स दिखाए, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में करीबन 12 ट्रैक्टर्स देखने को मिलेगा, 10-12, जिसमें मिनी ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल है। तो आपको जो ट्रैक्टर पसंद आया होगा कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, मेरा आईडी नंबर 1234 5। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।